हम छोटे थे तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जाते हैं ना अपने संबंधियों के यहाँ, बहन के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामा के, ऐसे। तो बहन के यहाँ गए थे, तो बहन की जो पति की बहन होती है उसे नंद कहते हैं, वो उनके यहाँ ले गए थे। तो उनके यहाँ हम गए हुए थे तो एक कमरे में देखा एक नौजवान व्यक्ति पड़ा हुआ था, वो शायद उनकी ननंद के पति थे। तो उनको पता नहीं क्या लगा, भगवान की प्रेरणा, हम तो बच्चे ही थे। तो हमें बुलाया, ऐसे नजदीक गए तो रोने लगे, जो बिल्डिंग देख रहे हो ना मेरी बनवाई गई, वो मेरी पत्नी है। और वो टाकीज के सामने मेरी चाय, समोसा, पान, इसकी दुकान थी। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता, तो यही पत्नी हमारे मोजे जूते उतार करके हमें प्यार कर दी। हमारे शरीर में लकवा मार गया, अब हमें उठ नहीं सकता, उठ नहीं सके। बोले दो रोटी से ज्यादा भोजन नहीं देती, और कहती ज्यादा देंगे तो बार बार शौच करोगे, हमें फेंकना पड़ेगा। बोले हमको मारती भी है, हमसे बात नहीं करती, चिल्लाते रहते हैं हमारे सामने, और दूसरे पुरुष को बुलाती, बात करती ऐसा। बोले किससे कहूं, अगर कहूं तो ये मारेगी आकर के, कहना नहीं। देखो ये वो बता रहा है कि जब मैं कमा के आता था तो मेरे जूते मुझे उतारती थी, मुझे प्रेम करती थी, आज वही पत्नी है। मेरा ही सब वैभव है, मुझे रोटी भर पेट, क्योंकि लकवा मार गया, शरीर बेकार हो गया।